बनाना थंब को काटने से पहले हाथ में इस तरह से नमक लगा लीजिए, आपका हाथ बिल्कुल भी काला नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बनाना थंब को कैसे काटते हैं और इसकी सब्जी कैसे बनाते हैं। तो आइए काटना और बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना थंब का सॉफ्ट वाला पार्ट लिया है और इसको इस तरह से कटिंग कर करके इसको निकाल देंगे। मैं किस तरह से इसको कटिंग कर रही हूँ आप वीडियो में देख सकते हैं। इस बनाना थंब को काटने के लिए इस तरह से बीच से चाकू से चीरा लगा देंगे और इसका बड़ा बड़ा जो छिलका होता है उसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सारा छिलका निकाल लेंगे और छिलके को तब तक निकालेंगे जब तक इसका छिलका निकल रहा है। थोड़ा सा नमक और हाथ में लगाएंगे और इसको इस तरह से बीच से काट देंगे। इसी तरह से इसका छोटा छोटा पीस बना देंगे। ये देखिए, इसका जो जाला निकल रहा है ये किसी काम का नहीं होता है। इसी तरह से उंगली में इसको लगा लगा के इसका जाला निकालेंगे और हमें सिर्फ इसका बीज का सॉफ्ट वाला पार्ट चाहिए, इसका छिलका नहीं चाहिए। इसी तरह से सारे केले को काट लेंगे। ये देखिए, जो भी जाला इसका निकल रहा है हाथ में इस तरह से लगा के निकाल देंगे। इसको हम पतला काटेंगे चाहे मोटा काटेंगे, इसका जाला निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये सब्जी को खराब कर देता है, तो जाला का निकालना इसमें से बहुत जरूरी है। इसी तरह से सारे केले के थंब को काट करके मैंने जाला निकाल लिया है और इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे। आप चाहे तो इसको और भी पतला बना सकते हैं। इसी तरह से सारे केले के थंब को काट के रख लेंगे। पतीला में डालेंगे 2 गिलास पानी और पानी में सारे केले के थंब को डाल देंगे। इसमें डालेंगे आधा नींबू का जूस। नींबू का जूस डालने से केले में बिल्कुल भी कालापन नहीं रहेगा और केला एकदम सफेद दिखेगा। नींबू के जूस में मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था और ये देखिए, केला वैसे का वैसे ही है। इस थंब का सब्जी बनाने के लिए ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है और हाथ भी आप देख सकते हैं एकदम काला नहीं हुआ है। अब कुकर में डालेंगे 1 गिलास पानी, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। इसको डाल करके हल्दी और नमक को अच्छे से मैंने पका लिया है। जो केले का थंब मैंने नींबू के पानी में भिगा करके रखा था उसको 2 से 3 बार धो लिया है और इस समय उसको हम डाल देंगे कुकर में। केले के थंब को कुकर में डालने के बाद इसमें 8 से 10 सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर। मैंने कुकर में 8 से 10 सीटी लगा लिया है और केला का थंब अच्छे से पक गया है। अब इसको निकाल लेते हैं और इसका जो भी पानी बचेगा उसको रख लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और इसको गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, जो थंब मैंने बॉयल करके रखा था उसको इसमें डाल करके और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट लगा है इसको इस तरह से फ्राई करने में और ये देखिए, इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो गया है। ये देखिए, कलर इतना अच्छा आया है इसका। अब हम इसको निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल, तड़के में डालेंगे 5 फोरन और इसको थोड़ी देर तड़कने देंगे। तड़का तैयार हो गया है। अब डालेंगे 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च और इसको भी कलर आने तक थोड़ी देर पका लेंगे। तड़के में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब डालेंगे इसमें 1 बड़े प्याज को बारीक चॉप करके इस तरह से डाल करके और इसको भी इसके साथ में फ्राई कर लेंगे। इसी समय डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। नमक मैंने पहले भी डाल रखा था पानी में, तो नमक को हिसाब से डालना पड़ेगा।
और ये देखिए प्याज भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गया है। अब डालेंगे इसमें बारीक चॉप किया हुआ एक टमाटर और इसको भी ढक के पका लेंगे। सूखे मसाले में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें मीट मसाला, आधा छोटा चम्मच पंजाबी गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच डालेंगे इसमें सब्जी भाजी मसाला और सारे मसाले को इस तरह से मिला के थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे। टमाटर प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। जिस पानी में मैंने केले का थंब बॉयल किया था उसी पानी को इस समय इसमें डाल देंगे और पानी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी इसमें और डालना पड़ेगा, आधा गिलास तक सादा पानी मैंने और डाला है इसमें, क्योंकि थंब को अच्छी तरह से इसमें पकाना भी पड़ेगा हमको। मसाले में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, सारा केला का थंब जो मैंने फ्राई करके रखा था उसमें इस तरह से डाल देंगे और इसको ढक के पकाएंगे। इस समय गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको ढक के पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सब्जी बन के तैयार हुआ है। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और केले के थंब की सब्जी इस तरह से आप बना करके खाएंगे आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। इस सब्जी को आप पूरी के साथ, पराठे के साथ या चपाती के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। इस तरह से केले की थंब की सब्जी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपने इस सब्जी को कैसे बनाया। थोड़ा सा गार्निश करेंगे इसे धनिया के पत्ते से और ये देखिए सब्जी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।